लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल की भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में मैं डॉक्टर एवी मोहनदास आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार है, 2023 जुलाई महीने के 12वीं तारीख, शोभन नाम संवत्सर, दक्षिणायनम, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, शाम को 6 बजे तक। मून आज भी मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र गुजर रहा है शाम को 7:45 तक। रात में वृषभ राशि में जाएंगे, कृतिका नक्षत्र में पहले चरण कंप्लीट करके रात को 1:58 में गृधि नाम संबद्ध योग है। इस कार्यक्रम में हमने सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे एक एक राशियों का विशेषता के बारे में। अभी तक कल हमने वृश्चिक राशि के बारे में जाना था, आज धनु राशि के व्यक्ति उसके स्वभाव के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान की खोज, दार्शनिकता और धार्मिकता दिमाग वाले है धनु राशि। इनके लोग जीवन में खोज की इच्छा रखते हैं। अग्नि राशि, एक अग्नि तत्व राशि है धनु राशि। इसके प्रभाव से धनु राशि वाले साहसी एवं किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाले होते हैं। ये वे उग्र व महत्वाकांक्षी होते हैं। वे कठिनतम समस्याओं का भी अपने विवेक बुद्धि से सुलझाने में सक्षम होते हैं। धनुराशि का जातक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। धनुराशि के लोग बहुत अच्छे और हसमुख चेहरे वाले होते हैं। ये लोग अपने प्रभावी असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इन राशि में जन्मे वाले लोग महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। वे पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने कामों को अंजाम देते हैं। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी भविष्य को लक्ष्य को भूतकाल की स्मृतियों में परिवर्तित कर लेना है। उनकी सबसे बड़ी अनुभव ही उनकी सीखना है, एक्सपीरियंस। उनके लाइफ के एक्सपीरियंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धनुराशि वालों की व्यक्तित्व स्पष्ट, भावुकता, बेचैनी तथा बौद्धिक उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। वो ठोस कार्यों में इच्छुक रहते हैं। इस राशि के व्यक्ति संपूर्ण संसार को प्रेममय देखते हैं। इनकी इच्छा विशिष्ट बनने की रहती है। अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस राशि वाले सभी से संघर्ष करने पसंद करते हैं। ये समस्या ग्रस्त लोगों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, परंतु इनमें समस्या को सरल बनाने की क्षमता नहीं होते। बहुत सारे मौके में ऐसा पाया है कि ये लोग इंटरफियर करने के बाद में छोटी सी समस्या बड़े बन जाती है। साथ ही इनका चुनाव बुद्धिमता पूर्ण नहीं होता। ये जो निर्णय लेते हैं थोड़ा बहुत अलग से होता है। इन्हें सतर्कता एवं सावधानी से काम लेना चाहिए। किसी भी मान्यता को स्वीकार करने से पूर्व ये उस पर पर्याप्त सोच विचार भी करते हैं। पर मूलतः सत्यान्वेषी होते हैं। ये धार्मिक होते हुए भी परंपरागत धार्मिकता रीतियों का पालन भी नहीं कर सकते। ये एक दूसरे की मान्यताओं को विश्वासों तथा दर्शनों के बीच संचार करते रहते हैं। ये लोग सदैव ऊंचाई पहुंचाने के प्रयत्नशील रहते हैं। इनकी सहज बोध शक्ति असाधारण होती है। स्वभाव से कूटनीति नहीं हो, परंतु संपुष्ट वक्ता होने के कारण उन जनों में ही दूसरों की भावनाओं को ठोस पहुंचाते रहते हैं।
ये लोग वैभवतु नहीं होते तथा यश गुण मुहूर्त आदि का भी ध्यान रखते हैं। ये कभी असाधारण संकटों को भी स्वीकार कर लेना पसंद करते हैं। इनकी अंततः प्रेरणा इन्हें स्वतः ही उचित मार्ग की ओर ले जाती है। सरलता, हमें इस राशि के लोग संकुचित वृत्ति के नहीं होते, वे एक मान्य जीवन दर्शक की खोज में लगे रहते हैं। ये लोग वस्तुओं के सुधार के लिए उत्सुक रहते हैं, उनमें परिवर्तन करना देखना पसंद करते हैं, परंतु तर्क संगत व्यवहार अपना नहीं इनके लिए लाभदायक रहता है। इनका शरीर स्वस्थ तथा शक्तिशाली होते हैं। इस राशि के लोग अपनी भूल पर पश्चाताप प्रकट करें में अपना असम्मान समझते हैं। उनकी अगर वो किसी को सॉरी बोलना इनके लिए मौत के बराबर है। इन्हें संगीत में रुचि होते हैं, इनके भ्रमण करना प्रिय होते हैं। ईशा इन राशि वाले धनु के पक्के दृढ़ विचार वाले साहसी जोशीला तथा स्पष्टवादी होते हैं। इनकी मस्तिष्क शक्ति बड़ी तीव्र होती है, मस्तिष्क का शक्ति बहुत तीव्र होती है, वो सोचने का बहुत तीव्र इसमें बने तीव्रता इसमें बनी रहती। कानून प्रतिष्ठान तथा न्याय का आधार करते हैं। बहुत सारे ये धनु राशि वाले जस्टिस और वकील इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको खोजबीन करना और साहसिकता अच्छे से आता है और ये गहराई तक जाते इनकी खोजबीन करना इनको अच्छे से आता है। धनु लग्न के जातक को चेहरा गोल है, बाल घने रहते, आंखें बड़ी रहते, गाल फूले हुए होते हैं। आपकी औसतम लंबाई अच्छी होती है। चेहरे में चमक और मुस्कान आपके व्यक्तित्व को भी शानदार बनाती है। हालांकि 30 वर्ष की उम्र में भी आप अधिक आयु के दिखने लगते हैं। मतलब एक राशि ऐसा है कि मिथुन राशि जो उम्र से कम दिखता है, हालांकि धनु राशि वाले आयु से ज्यादा दिखने लगता है। धनु राशि वाले के जातकों में स्वभाव धार्मिक होता है, एक नैतिक मूल्यों को सबसे आगे रखते हैं, नैतिक मूल्य कभी नहीं छोड़ते। ईमानदार छवि रखने पसंद करते। आपका ज्ञान और उदारवादी स्वभाव आपको औरों से श्रेष्ठ बनाते हैं। आपके अच्छे मित्र अच्छे होते हैं। आप आलसी होते हैं और करने की बजाय कहने पे जोर देते हैं। धनु राशि का स्वास्थ्य सामान्य रहता है, लेकिन इस राशि के जातकों में अक्सर पीठ, कमर और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहते हैं। वाद संबंधित इनके साथ इन्हें जांघों में संबंधित परेशानियां रह सकती है। शाटिका वगैरह जो है बीमारियां इनको जल्दी से लग जाती है। आपको रसयुक्त पदार्थ पसंद है, आपको मोटापा से ग्रसित होते हैं। मतलब गुरु इनके राशि स्वामी गुरु है, गुरु हेवी माना जाता है, इसलिए राशि वाले जितने भी है मोटे होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। जहाँ तक आपको करियर और प्रोफेशनल का सवाल है, आपको ज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होती है। आप लेखन, संपादन, अध्ययन, लिपिक, अनाज, दलाली, शेयर बाजार, मछली, कमीशन एजेंट, आयात निर्यात जुड़े कार्यों में सफलता पाते हैं। बस इतने ही आज के लिए धनु राशि की जानकारी। चलिए आज की भविष्य की ओर, पहले हम लेते मेष राशि। राशि स्वामी मंगल पंचम में शुक्र के साथ जो दूसरे भाव के स्वामी है,
सप्तम स्थान में है केतु, जीवन साथी की एवं संतानों से संबंधित कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ेंगे आज। यात्राओं में सावधानी बरते। तीसरी भाव का सूर्य आपको शत्रु परास्त करने की मार्ग दिखाएंगे। वृषभ राशि, राशि स्वामी शुक्र चतुर्थ में मंगल के साथ है, मन में आनंद बना रहेंगे। कुटुंबजन एवं बंधुओं से सहायता मिलते रहेंगे, धन लाभ भी बना रहेगा। मिथुन राशि, दूसरे भाव का स्वामी चंद्र लाभ भाव में, व्यापार में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, आपकी बातों को विशेष दर्जा मिलेंगे। आज के दिन आपके कही हुए बातों को सभी लोग गंभीरता से लेंगे। कर्क राशि, राशि स्वामी चंद्र कर्म भाव से गोचर करेंगे, लाभ होगा, लेकिन बारवा भाव स्थित सूर्य नुकसान बता रहा है, खर्चा भी बना रहेगा। सिंह राशि, राशि में मंगल शुक्र के साथ, दूसरे भाव के स्वामी बुध बारवा भाव आज की अनियंत्रित खर्चे की ओर संकेत दे रही है। सरकार की ओर से जो भी लटक रहा था वो सब अभी होगा, क्योंकि आपके धनभाव के स्वामी की उदय हो गया है। आइए हम चलते कन्या राशि की ओर। राशि स्वामी बुध अस्त से उदय होकर लाभ भाव में स्थित, लाभ मिलते रहेंगे। दशम का सूर्य आपको मान सम्मान दिलाएगा। तुला राशि, राशि में है केतु, राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में है, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल के साथ लाभ होगा। अष्टम की चंद्रमा शारीरिक रूप से परेशान करेंगे। वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल दशम में शनि दृष्ट है, सप्तम में है चंद्रमा, अष्टमस्तु सूर्य आपको कामों में अड़चने ला सकता है। धनु राशि, राशि स्वामी पंचम में राहु के साथ आपके राशि से षष्ठम में स्थान में चंद्रमा धन लाभ दिलाएंगे, चिंतन मंथन का स्वरूप अच्छे रखें। मकर राशि, चंद्रमा पंचम भाव में है, कार्यों में देरी होंगी, समय पर काम न होने से मन व्यतीत रहेगा, धन स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कुंभ राशि, राशि स्वामी राशि में ही स्थित है, अग्नि मारुति योग भी पड़ रहा है, साढ़े साथी का भी असर के साथ जीवन साथी के आरोग्य की ख्याल रखें। मीन राशि, राशि स्वामी गुरु धन भाव में है, तीसरे स्थान का चंद्र आपको होने वाले धन लाभ दिखाती रही है, आमदनी बने रहेंगी। बस इतने ही आज के भविष्य के कार्यक्रम में, फिर कल यही टाइम में यही चैनल में महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल फिर मिलेंगे। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच, हमारा पता एमआरडीसी हिंगना रोड सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर, राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था।
इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो भाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर। कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर। परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाड़े 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर CA रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edlivar provides you best teaching methods. IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation. MHT CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.